हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर लेकर आई हूँ। इसका जो एक्चुअल कलर है वो ऑरेंज कलर है, बट कैमरे में पता नहीं इतना अच्छा कैप्चर क्यों नहीं हो पा रहा है। बट वीडियो को अभी आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि सच में ये स्वेटर आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो देखिए, मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला था, मैम इतनी महंगी हम ऊन खरीदेंगे, उससे तो अच्छा हम रेडीमेड स्वेटर खरीद लेंगे, आप कोई सस्ती वाली ऊन का स्वेटर बनाना बताएं। तो इस स्वेटर में मैंने बहुत ही सस्ती वाली ऊन लगाई है, जो 160 रुपए की 400 ग्राम ऊन मिलती है वो ऊन लगाई है, और मैंने इसमें छोटे छोटे स्टोन लगा दिए हैं, और ये बहुत ही एक अच्छा सा पार्टी वेयर स्वेटर बन गया है। अगर आप इसको पार्टी में पहन कर जाएंगे तो कोई नहीं कहेगा आपने खुद बनाया है। और इसमें मैंने स्टोन लगाए हैं, वो लाइट मार रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो जो मैंने फ्रंट जो आगे का साइड होता है उसमें मैंने स्टोन लगाए हैं। पूरे स्वेटर मैंने ऐसी डिजाइन डाली है, आप पीछे तक मैंने डाली है स्वेटर में डिजाइन, और बहुत ही सरल है डिजाइन, बहुत इजी है बनाना, बहुत ही सरल है। देखिए पूरे स्वेटर में डिजाइन बनाई है, बट मैंने आगे की साइड में स्टोन लगाए हैं। आप चाहें तो पूरे स्वेटर में लगा सकते हैं, और जब ये लाइट, मतलब आप रात में कभी किसी पार्टी में जाएंगे तो ये बहुत लाइट मार रहे हैं स्टोन, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपकी एज 18 साल की है, 18 से 20 22 साल की लड़की के आराम से आ जाएगा। तो इसको देखिए, मैंने 400 ग्राम ऊन लगाई है इसमें, और 9 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है, और ऊन मैंने 160 रुपए की ख़रीदी थी। 400 ग्राम 160 रुपए की ऊन इसमें लग गई है पूरी ऊन, तो आप लोग ख़रीद लें। और सस्ती वाली ऊन है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे। तो सस्ती वाली ऊन क्या होता है, वो सॉफ्ट नहीं होती है, टाइट ऊन होती है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस स्वेटर में मुझे टाइट वाली ऊन का ही यूज़ करना था, क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे कमेंट कर दिए थे मैम सस्ती वाली ऊन का बनाएं, तो इसलिए मैंने बना दिया है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग लाइक तो कर सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आई होप आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी अगर आपको दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 120 चैन ली हैं, और 9 नंबर की क्रोशिया का यूज़ किया है, ठीक है। 120 चैन लेने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी। देखिए इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगी। तो ये जिससे कुछ नहीं होता है, अगर आप मेरे जैसे हाइट में और मेरे जैसे हेल्थ में हैं तो आपके आराम से आ जाएगा, अगर आप मुझसे मोटे भी हैं तब भी आपके आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है। तो मेरे काफ़ी लूज़ है, मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे वैसे भी ढीले कपड़े अच्छे लगते हैं, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं अच्छे लगते हैं। तो अगर आपकी एज 18 साल की है तो आप 18 से 20 22 साल के आराम से आ जाएगा। और मैंने देखी यहाँ पर 120 चैन ली है, और जॉइंट करने के बाद फर्स्ट चैन में डाल रही हूँ। देखिए एक बार दो बार निकाल चुकी हूँ इस तरीके से, तीन बार और ये चार बार, देखिए चार बार मैंने इस तरीके से धागा लिया है, और एक साथ निकाल कर एक फंदा ले लिया, ठीक है। एक चैन ले ली है, अब वापस इसी में डाला, एक दो तीन चार, देखिए चार बार फिर मैंने इसमें निकाला धागा, और एक साथ निकाल देंगे इसको हम, इन सबको एक साथ निकाल के एक चैन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक दो, दो चैन छोड़ेंगे तीसरी वाली चैन में डालेंगे, देखिए एक दो को छोड़ेंगे तीसरी वाली चैन में डालेंगे, इसमें देखिए एक बार पापड़ डालेंगे, दो बार फिर डालेंगे, तीन फिर डालेंगे, चार, देखिए चार बार में फंदा लिया, इस तरीके से निकालेंगे, लास्ट का एक रह गया है इसको भी इस तरीके से निकाल देंगे। अब एक इसमें पापड़ डालेंगे, एक दो तीन चार, देखिए चार बार में धागा फंदे निकाल लिए, अब इन सबको एक साथ निकालेंगे, लास्ट के जो फंदे बचे हैं उसको भी निकाल देंगे, ठीक है। अब एक चैन ले ली, इस तरीके से बनाना है, फिर एक दो, दो चैन छोड़ेंगे और तीसरी वाली चैन में डालकर फिर हम इस तरीके से बनाएंगे, एक बार निकाला वापस डाला, दो तीन चार, इन सबको एक साथ निकाल लेंगे, देखिए लास्ट का जो बचा है उसको भी निकाल लेंगे, एक चैन लेंगे वापस में डालेंगे, फिर चार बार फंदे निकालेंगे, एक दो तीन चार, एक चार बार निकाला, इन सबको एक साथ निकाल देंगे और लास्ट के भी निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है, देखिए दो छोड़ेंगे तीसरे वाले में डालेंगे, देखिए चार बार निकालेंगे हम,
इस तरीके से चार बार निकालेंगे। देखिए सब निकाल दिया एक साथ, इसको इस तरीके से बनाया, वापस डालेंगे। देखिए एक चेन ले लेंगे बीच में और इस वापस डाला, इसमें डाल दिया, फिर से चार बार निकालेंगे। तो हमारा ये गले के साइड से बनाया है, ऊपर के साइड से बना रही हूँ मैं गले के साइड से, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। पूरी रो कंप्लीट होने के बाद मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है, एक में दो बार बनाना है, बीच में दो चेन छोड़नी है। तो पूरी रो कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी रो कंप्लीट हो गई है, अब मैं इसको यहाँ पर जॉइंट करूँगी। तो देखिए बहुत आसान है जॉइंट करना, इसमें बीच में डालेंगे जो हमने ये दो बनाए हैं, इसके बीच में डाला इस तरीके से और जॉइंट कर दिया, ठीक है। एक चेन ले लेंगे, एक चेन ले लेंगे, फंदा थोड़ा लंबा कर दिया। अब देखिए वापस इसमें डाला, चार बार फंदा निकालेंगे, लेकिन सबको एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। चेन ले लेंगे, एक वापस डालेंगे, फिर हम एक, फिर डालेंगे दो, तीन, चार। देखिए चार बार में निकाला, इन सबको एक साथ निकाला हमने, फिर एक इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। अब ये दूसरे वाले में डालेंगे, इसमें सेम इसी तरीके से डालना है, एक बार, दो, तीन, चार। देखिए फिर चार बार निकाला, इन सबको एक साथ निकाल कर निकाल दिया। एक चेन ले लेंगे बीच में और फिर वापस इसी जगह डाल के फिर चार बार फंदा लेंगे। देखिए इस तरीके से निकाल देंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, जितने भी हमने बनाए हैं सब में चार चार बार डालकर और एक चेन लेकर फिर वापस इसमें डालकर एक बार और बनाना है, जैसे अभी हम बना रहे हैं। देखिए पहले एक बार बनाएंगे, एक चेन लेंगे, वापस इसी जगह डालकर फिर चार बार निकालेंगे। इस तरीके से बनाना है, इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरा बन गया है, इसमें डालेंगे बीच में यहाँ पर जैसे अभी हमने डाला था और इसको इस तरीके से जॉइन किया, एक चेन ले ली, वापस इसको इस तरीके से खींचा और देखिए एक, दो, तीन, चार, चार बार फंदे लिए, इन सबको एक साथ निकाल देंगे हम। फिर एक चेन ले ली, वापस डाला इसमें, फिर चार बार फंदे लेंगे इस तरीके से, फिर इन सबको एक साथ निकाल देंगे। देखिए एक चेन ले लेंगे, फिर दूसरे वाले इसमें डालेंगे। अब देखिए जो ये हम बीच में बना रहे हैं, देखिए अब ये बीच वाले में डालकर एक चेन ले, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें डालेंगे, अब इसमें एक, दो, तीन, चार, चार बार लिया, इन सबको एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। एक चेन लेंगे, वापस डालेंगे, एक, दो, तीन, चार। देखिए अब एक यहाँ पर डालेंगे बीच में, देखिए यहाँ पर डालकर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से हमें बनाना है, इसमें डालेंगे, चार बार में निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। एक चेन ले लेंगे, वापस डालेंगे इसमें, फिर चार बार में, देखिए वापस डालेंगे चार बार और इन सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर देखिए जो हम यहाँ पर डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, इसके आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो देखिए वाली रो मैंने कंप्लीट कर ली है और अब आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इस रो को कंप्लीट कर लिया है, एक एक डबल क्रोशिया बनाते गए और जैसे डिजाइन बना रहे थे वैसे बना लिए। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर जॉइंट करूँगी, यहाँ पर डालकर इसको जॉइंट करेंगे। अब देखिए एक चेन लेकर इसको फंदे को खींच लिया थोड़ा सा, अब देखिए इसमें डालेंगे एक, दो, तीन, चार। ये चार बार लिया, इन सबको एक साथ निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से निकाला, एक चेन ले ली बीच में, वापस डालेंगे एक, दो, तीन, चार। ये देखिए इस तरीके से निकाला,
एक चैन ले ली, ठीक है। अब देखिए जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब एक यहाँ पर डालेंगे एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अभी हमने एक बनाया था, अब हमने दो डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। अब इसमें डालेंगे एक दो तीन चार, ये देखिए चार बार फंदा लिया, इन सबको एक साथ निकालेंगे और इस तरीके से एक चेन ले लेंगे, वापस इसमें डालेंगे, फिर चार बार फंदा लेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। देखिए एक चेन ले लेंगे, अब देखिए जो फिर हमने चेन ली डबल क्रोशिया बनाया इसमें, देखिए फिर से हम वापस वही करेंगे, पहले यहाँ पर डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक यहाँ डालेंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए। तो इस तरीके से बनेगा, इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, इसके आगे हमें फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें मैं इसको ज्वाइंट कर दूँगी, यहाँ पर जैसे हम ज्वाइंट कर रहे थे सेम इसी तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे, इस तरीके से एक चेन ले लेंगे और इसको थोड़ा फंदा खींच लिया, अब देखिए वापस डालेंगे एक दो तीन चार, ये देखिए चार बार में फंदा निकाला, इन सबको एक साथ निकाल के एक चेन ले ली, अब वापस डालेंगे इसी में एक दो तीन चार, ये चार बार लिया, इन सबको एक साथ निकाल दिया, देखिए इस तरीके से। अब देखिए पहली वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया और इसमें हमने दो डबल क्रोशिया बनाए, अब इसमें भी हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक इसके पास वाले में, देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए वापस हमने दो डबल क्रोशिया बनाया है, अब यहाँ डालेंगे एक दो तीन चार, ये देखिए चार बार फंदा लिया, इन सबको एक साथ निकाल दिया, एक चेन ले ली, वापस डालेंगे एक दो तीन चार, ये चार बार फंदा लिया, इन सबको एक साथ निकाल देंगे, एक चेन लेकर इस तरीके से बनाना है। देखिए इसमें हमने एक बनाया है, इसमें हमने दो डबल क्रोशिया बनाए, इसमें भी हमने दो डबल क्रोशिया बनाया है, देखिए फिर हम दो बनाएंगे, एक यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया और एक यहाँ पर बनाएंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, इसके आगे हमें इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है, इसके आगे तीन रो सेम ऐसे ही हमें कंप्लीट करनी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कंप्लीट हो गया है, अब इसको मैं काउंट करती हूँ दो तीन चार पाँच छः सात, ये देखिए सात हैं, और मैंने यहाँ पर जो दो दो डबल क्रोशिया बना रही थी उसमें देखिए, देखिए इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था पहले, फिर एक दो तीन चार, देखिए हमने चार डबल क्रोशिया बना ली, इतनी रो हमने बना ली है, ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, यहाँ पर डालेंगे इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, एक चेन ली और इसको खींच लिया थोड़ा सा, फिर देखिए एक दो तीन चार, इस चार बार में फंदे लिए, इन सबको एक साथ निकाल देंगे, एक चेन ली, वापस डालेंगे एक दो तीन चार, ये देखिए इस तरीके से निकालेंगे, अब देखिए अब हमने दो डबल क्रोशिया बनाए थे, अब देखिए एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ पर बनाएंगे, देखिए अब तीन डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लिया, तीन डबल क्रोशिया बनाए यहाँ पर डालेंगे, फिर एक दो तीन चार, एक चार बार निकाला, इन सबको एक साथ निकाल दिया, एक चेन ले ली, फिर एक बार डाला दो बार डाला तीन बार डाला चार, इस तरीके से बनाया, ठीक है। अब हमने तीन डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाया, तो अब मैं इस रो में तीन तीन डबल क्रोशिया बनाऊँगी, देखिए यहाँ पर डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ पर डाल के बनाएंगे, दो हो गया, यहाँ डालेंगे
यहाँ बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए ठीक है, अब यहाँ पर डालकर फिर हम एक दो तीन चार, इस चार बार फंदे लिए, सबको एक साथ निकाल दिया इस तरीके से। ठीक है, एक चेन ले ली, वापस डालेंगे एक दो तीन चार, अब देखिए यहाँ पर डालेंगे एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर डालेंगे दो डबल क्रोशिया, यहाँ पर डालेंगे तीन डबल क्रोशिया। इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। इसके बाद हमें देखिए, इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, इसके आगे की हम पांच रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। पांच से छह रो ऐसे ही कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना बना लिया है, इतना देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, टोटल मैंने 15 रो कंप्लीट कर ली है। तो इस तरीके से देखिए बनाया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए एक दो तीन चार, ठीक है चार रो छोड़ी, एक दो तीन चार, चार पीछे से छोड़ेंगे, यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। ठीक है, इतना हमारा इसमें बाजू बनेगी हमारी। तो जब आपकी चेस्ट तक हो जाए उसके बाद ही आप बाजू बनाने के लिए पिन लगाएं। तो आप एक बार नाप लें, क्योंकि ये मोटी ऊन है, इसलिए मेरी 15 रो में इतना ठीक हो गया है, चेस्ट तक ठीक आ गया है। तो आपका जब हो जाए तब उसके बाद आप इस तरीके से पिन लगा दें। हमने बाजू पर टोटल 8 छोड़ी हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इस तरीके से पिन लगा रही, इतना मेरा बाजू पर मतलब चेस्ट तक हो गया है। अब देखिए मैं इसमें भी सेम छोड़ूंगी, एक दो तीन चार, चार इधर, देखिए चार मैं पीछे के साइड से छोड़ूंगी तो मेरे इतना बाजू तक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड पिन लगा दिया। अब बीच का जो हमारे पास बच गया है इसमें हम बनाएंगे, इसमें हम बनाएंगे। तो कैसे बनाना है फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर डालेंगे पहले, जहाँ से हमारा चल रहा है वहीं पर हमने डाला है जॉइंट करने के बाद। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसको बनाएंगे, एक दो तीन चार, इन सबको एक साथ निकालेंगे, एक चेन ले लेंगे, वापस डालेंगे इसमें एक दो तीन चार। देखिए इस तरीके से बनाया, अब यहाँ पर देखिए तीन डबल क्रोशिया हम बना रहे थे। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए अभी तक हम तीन तीन डबल क्रोशिया बना रहे थे। अब देखिए एक डबल क्रोशिया यहाँ पर डालेंगे, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, देखिए अभी भी हमने तीन ही डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब इसमें डालकर इसमें बनाएंगे चार, देखिए चार चार बार निकालें, सबको एक साथ निकाल कर एक चेन ले ली, वापस डालेंगे इसमें एक दो तीन चार। देखिए अब इसमें हम सेम बनाएंगे जो हमने पिन लगाया है, यहाँ तक हम बना लेंगे। फिर इसमें कैसे बना रहे हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस पिन को हम खोलेंगे, इस साइड से मैंने खोल दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने पिन लगाया था, इसको भी हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, जॉइंट करने के लिए फंदे को निकाला, अब इस पिन को निकालेंगे, इस जगह क्रोशिया डालेंगे, ये पिन वाली जगह क्रोशिया डालेंगे यहाँ पर, और इस फंदे को इस तरीके से हम निकाल देंगे। इस तरीके से निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये डिजाइन आ रही है, तो डिजाइन सॉरी ये डबल क्रोशिया आ रही है, तो हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया,
अब फिर हमारे पास ये डिजाइन आ गई, इसको बनाएंगे एक दो तीन चार, इस चार बार में फंदा निकाला, इन सबको एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। अब आप डालेंगे एक दो तीन चार, देखिए इस तरीके से डाला, इन सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर इसमें डालकर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, दूसरे वाले डालकर इसमें दो, तीसरे वाले में डालकर इसमें तीन, तीन डबल क्रोशे बना लिया। फिर हम ये डिजाइन बनाते हुए इस जो हमने दूसरी साइड में पिन लगाई है इधर तक लेकर आएंगे, इस तरीके से बनाते हुए यहाँ बनाएंगे, इसको बनाएंगे, फिर इसको इसको पूरा बनाते हुए पिन वाली जगह तक लेकर आएंगे। फिर जैसे हमने यहाँ पर जॉइंट किया था वैसे ही हमें इसको जॉइंट करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे भी हमने जॉइंट किया था वैसे ही बनाना है सेम, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक हो गया, अब इसको कैसे जॉइन करेंगे, यहाँ पर पिन को खोलेंगे, यहाँ पर डालेंगे इसको, इस तरीके से निकालेंगे। अब इसको निकालेंगे हम यहाँ पर पिन को, इसमें डाल देंगे, देखिए इस तरीके से डालेंगे, देखिए इसको ज्वाइंट कर दिया, इतना बन गया हमारा, ठीक है बन गया। अब यहाँ तक बनते हुए लाएंगे, इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, सेम इसी तरीके से बनाएंगे इस रो को। अब जॉइंट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जॉइंट करेंगे हम, बनाने के बाद यहाँ पर जॉइंट करेंगे, अब फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे, सॉरी एक चेन लेंगे हम, इसको खींच लिया। अब देखिए एक दो तीन चार, ये चार बार में फंदे निकाले, इन सबको एक साथ निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से डिजाइन जैसे हम बना रहे हैं सेम वैसे ही बनाना है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। अब यहाँ पर हमने तीन डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, देखिए तीन डबल क्रोशिया बना लिया। अब वापस इसमें डालेंगे हम इस वाले में डिजाइन में, इसको सेम ऐसे ही बनाना है यहाँ तक, फिर हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ तक मैंने कर लिया है, अब इसको यहाँ पर हम बनाएंगे, सेम है सिंपल है, वो तीन तीन डबल क्रोशिया वाला ही चल रहा है। अब इसमें देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए अब हमें यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर डालेंगे देखिए इस तरीके से, जो यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया चल रही है यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसके पास वाले में डालेंगे दो, देखिए 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 जो हमने जॉइंट किया है, फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको, जॉइंट किया है उसमें देखिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पास वाली चेन में डालेंगे दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ डालेंगे तीन डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पर डालेंगे तीन डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डालकर इसको डिजाइन को बनाएंगे, चार बार फंदे निकालेंगे, एक दो तीन चार, इन सबको एक साथ निकाल देंगे, देखिए इस तरीके से एक चेन ले ली, वापस डालेंगे एक दो तीन चार, ये देखिए इस तरीके से। तो दोनों बाजू मैंने जॉइंट कर दी है, अब मैं इसको इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करूँगी, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने दोनों कंप्लीट कर लिया है, दोनों जो जॉइंट कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं था इसको कंप्लीट करने के बाद। अब मैं फिर इसको आगे बनाना बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर जॉइंट कर लिया, अभी देखिए एक बार निकाला, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार निकालने के बाद इसको एक साथ निकाल देंगे, एक चेन ले ली,
और देखिए वहाँ पे डाला एक दो तीन चार, एक चार बार निकाले, सबको एक साथ निकाल देंगे। अब यहाँ पर जो हम डबल क्रोशिया बना रहे थे तीन तीन, ये देखिए इसमें डालेंगे एक डबल क्रोशिया, इसके पास में डालेंगे दो डबल क्रोशिया, यहाँ डालेंगे तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, देखिए इस तरीके से बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमने चार डबल क्रोशिया कर दिया, अभी तक हम तीन डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब हमने चार डबल क्रोशिया कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर डालेंगे एक दो तीन चार, एक चैन ले ली, वापस डाला एक दो तीन चार, देखिए ये सबको एक साथ निकाला, इस चैन लेके यहाँ पर डालेंगे एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया। तो इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, फिर आगे वाली रो में क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से इतना बन गया है, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट में आपको इसके नीचे का बताऊंगी कि डिज़ाइन को नीचे तक कैसे कंप्लीट करना है, फिर बॉर्डर कैसे बनाना है और बाजू कैसे बनानी है, वो मैं सेकंड पार्ट में बनाना बताऊंगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा कार्डिगन है। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको इससे हेल्प मिली होगी। तो आप लोग वीडियो सेकंड वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके सारी वीडियो देखें। मेरा चैनल कैसे ओपन करना है, देखिए सब्सक्राइब के सामने अभी देखिए ऑल बनकर आ रहा है, उसको टच करेंगे तो चैनल ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ पर सारी वीडियो आ जाएंगी। वीडियो में जाके सारी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं मैंने, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको एंजॉय करें, बाय, अपना ख्याल रखें, सेकंड पार्ट इसका ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएँ कि आगे आप लोग क्या देखना चाहते हैं, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी।